डिस्ट्रिक्ट डोडा जो एक टफ़ है वहाँ के लोगों के रहने के लिए और टफ़ लाइफ है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। और डिस्ट्रिक्ट डोडा में जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स में जो अच्छे लोग दिए हैं, माउंटेनियर्स दिए हैं, क्रिकेटर्स दिए हैं। और आज मैं आपकी जिनसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो जम्मू कश्मीर से फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और फर्स्ट जम्मू कश्मीर से ओलंपिक क्वालिफायर्स हैं शूटिंग में, चैन सिंह, जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं, उन्हें आप पहचानते भी हैं। चैन सिंह जी, वहाँ से जब आप यंग थे, स्कूलिंग थी, वहाँ से निकले, क्या कभी सोचा था कि ये सफ़र इतना अच्छा हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। जो मेरा गांव है जहाँ मैं रहता हूँ वो इलाका इतना दूर है, इतना फार फ्लंग एरिया है कि अभी तक वहाँ पे बंदा अगर रह रहा है ना तो वो सपना नहीं देख सकता किसी ऐसी फील्ड में यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्योंकि अभी तक आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे गांव में रोड्स वगैरह नहीं है, लाइट प्रॉपर नहीं है, नेटवर्क तो मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं, तो बंदा कैसे सोच सकता है कि भाई ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो मैंने सोचा नहीं था ओबियसली, पर जब मैं आर्मी में आया तो आर्मी में आने के बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं आई कैन डू बेटर एंड बेटर। जो टफ़ लोग होते हैं जब वो टफ़ कंडीशंस में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो फिज़िकल स्ट्रेंथ जो डेवलप होता है पहाड़ी एरिया में खास कर रहे के, वो काफ़ी सपोर्ट करता है। और स्पोर्ट्स में तो बड़ा एडवांटेज है फिज़िकल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बेनिफिट देती हैं। उन माँ बाप को जब हम फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आपकी शेयर की हुई पिक्चर्स देखते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो बड़े ही जेंटल, बड़े इनोसेंट फेसेस हैं, बड़े ही प्यारे लोग हैं, तो कितनी है खुशी उनके अंदर कि हमारा बेटा जो है एक वर्ल्ड नोन शूटर है और दुनिया उनके नाम को जानती है। जी उनको काफ़ी, पेरेंट्स को तो खुशी होती है, हर किसी के पेरेंट्स को खुशी होती है। और मेरे पेरेंट्स वैसे ही गाँव के रहने वाले हैं, उन्होंने कभी दुनिया देखी नहीं, बाहर निकले नहीं वो, तो उनको यही बड़ी चीज़ है जब वो देख लेते हैं कि अगर उनको लोग दो चार बोल देते हैं कि आपके बेटे ने ये किया, तो उनके लिए और प्राउड फील होता है और वो बहुत खुश होते हैं। अब उनको इन चीज़ों की पहचान है, ओलंपिक क्या है, ओलंपिक में क्वालिफाई होना, वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल, या जो अवार्ड्स हैं हमारी कंट्री के, अर्जुना अवार्ड्स हैं, बाकी चीज़ें, क्या इन चीज़ों का अब उनको एहसास होने लगा? ये अब धीरे धीरे एहसास होने लगा है, क्योंकि पहले ऐसा था, पहले उनको जब मैं बोलता था नहीं मैं शूटिंग करता हूँ तो वो उनको तो पहले समझ नहीं आता शूटिंग होता क्या है। काफ़ी टाइम लगा, 2-3-4 साल लगे जब उनको पता चला कि अच्छा ये होता है, ऐसे होता है, और अब कॉम्पिटिशन्स की अहमियत को भी उन्होंने समझा हुआ है, तो अब जाके उनको थोड़ा प्रॉपरली पता चला है कि अक्सर होता क्या है, कैसे होता है। हाँ जी, हर किसी के मन में होता है कि जितना भी आप अचीव कर लो और बाहर रह लो, बड़ी दुनिया में रह लो, घूम फिर लो, एक दिन आता है कि आपका मन करता है कि आप घर की तरफ चलो, अपने गांव की तरफ चलो, अपने शहर की तरफ चलो, अपनी लोगों में चलो। आपके मन में है कि अगर आपको कोई अच्छा यहाँ पे जो हमारा यूनियन, अब तो यूटी बन गई है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आपको बुलाते हैं, अच्छे तरीके से ऑनर करते हैं, वेलकम करते हैं, क्या आप जम्मू कश्मीर आना चाहोगे? मैं तो जम्मू का ही रहने वाला हूँ और ख़ासकर मेरे को नहीं दिल करता कि मैं जम्मू से कहीं बाहर जाऊँ। जम्मू में आके मैं अपने गाँव में को प्रेफर करता हूँ कि मैं ज़्यादातर, क्योंकि वहीं पले बड़े हैं, वही आबोहवा, वही नेचर, वही एटमोसफियर मुझे अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली मैं जम्मू से बाहर कहीं नहीं जाना चाहता। मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी स्टेट में और हमेशा यहीं रहना चाहता हूँ। कुछ सुनने में आया है एक जो SRO है हमारा 349, जिसके तहत गवर्नमेंट जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ गस्टेड पोजीशंस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, LG की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसमें ला रही है। अगर कुछ ऐसा होता है, आपको कोई ऑफ़र मिलता है, जब उस तरह का कोई कंडीशंस बनती हैं, तो आप यहाँ पे प्रेफर करोगे, आ जाओगे जम्मू कश्मीर में? डेफिनेटली अगर ऐसा चेंजेस हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड ऑल, तो ये होना भी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली मैं अपनी स्टेट को सर्व करना चाहूँगा और ये तो मेरा सपना है कि मैं अपनी स्टेट में ही जो चीज़ें, जो मेरे अंदर जो कुछ भी थोड़े बहुत गुण हैं तो मैं उसको एक्सपेंड कर सकूँ। जिस तरीके से शूटिंग का जो ट्रेनिंग बेसिक शूटिंग रेंजेस हैं वो 8-10 के करीब हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब खेल गांव जो है, अपकमिंग स्पोर्ट्स हब है नगरोटा में, वहाँ पे एक शूटिंग का बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है और ये एक खुशी की लहर दौड़ेगी जम्मू कश्मीर के लोगों में, खासकर जो शूटिंग में आना चाहते हैं लोग,
जिस तरीके से आपने कहा कि आप रेडी हो यहाँ आने के लिए, और गवर्नमेंट भी कुछ इस तरह से कर रही है कि आप जैसे जो टैलेंटेड और अचीवर्स हैं नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर से, वो यहाँ वापस आए, उनके लिए एक ऐसा माहौल यहाँ पे बनाया जाए, तो आपके मन में भी कुछ होगा कि किस तरह से अगर सपोज मैं यहाँ आता हूँ तो किस तरह से कर पाऊँगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ दे पाऊँगा यहाँ लोगों को? सबसे पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना बड़ा ज़रूरी है स्टेट में, जिस उस चीज़ के लिए हमारे JKRA के प्रेसिडेंट जमवाल सर ने बड़ा जोर लगाया, गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिए, उन्होंने काफ़ी बहुत सारा हेल्प किया इस मामले में टू सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन JKRA स्पोर्ट्स का। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं, हो जाएंगे अभी धीरे धीरे जैसे UT बना हुआ है, तो काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, हमें सरकार से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा खरा उतरेगी इस चीज़ पे, और अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं तो डेफिनेटली इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, नॉर्थ इंडिया जो हमारा स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोग हैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। स्पोर्ट्स लाइन की एंटायर टीम और जम्मू के लोग अब शायद कुछ ही देर की बात है, 6 महीने या 1 साल लग सकता है कि जिस चैन सिंह से मिलने के लिए वो ओकेजनली यहाँ आते थे, लोग उनसे मिलते थे, वो दिन दूर नहीं है जब आप लोगों आपसे मिलने के लिए लोग मतलब हर रोज़ मिल पाएंगे आपको और आप यहाँ ही अवेलेबल होंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाए कि आप वापस यहाँ अपनी यूटी में आ जाएं और अपने लोगों को सर्व करें और यहाँ के जो यंग टैलेंट है उसको ग्रूम करें। बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये चीज़ होती है, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी स्टेट में सर्व करने के लिए। चैन सिंह जी, स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।